हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो विल डिस्कस। वीडियो तो नहीं, सिर्फ आवाज़ से देख लीजिए। और टेलीग्राम पे बस क्वेश्चन आपको दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मैं इतना सारा भी लिख भी नहीं सकती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन वहाँ पर डाल दूँगी। तो ब्लॉक 3 BSOG 173, एग्ज़ाम 27 जुलाई पर है। देखिए यूनिट 10 और 11, अभी हम यहाँ पर आपको उनके क्वेश्चन बताऊँगी। तो हमने ऑलरेडी ब्लॉक 1 और 4 कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए। ब्लॉक 3 आज कर लेंगे तो एक लगभग आपका मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। 3 ब्लॉक आप पढ़ते हैं, 1 छोड़ते हैं, फिर भी बहुत अच्छा मार्क करते हैं। लेकिन जिसके पास वक्त है वो 2 भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 2 भी देख के आप थोड़ा सा भी आप खुद से भी देख के जाओगे तो वो 80+ मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ब्लॉक 3 जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 10 में आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर ये क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब द 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के 3 वर्ल्ड ये क्या हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 3 वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हैं डेवलपमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट वर्ल्ड जो है उसमें कैपिटलिस्ट मॉडल रहता है, कैपिटलिस्ट मॉडल अप्लाई होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे। तो ये क्या होता है ना, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच अलाउज हाई अकाउंट्स ऑफ फ्रीडम टू कैपिटलिस्ट टू इन्वेस्ट एंड मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप इंक्लूड होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है जनरली, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होता है और कंपटीशन होता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट मॉडल होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अब जो सेकेंड वर्ल्ड होता है, यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल अप्लाई होता है। तो सोशलिस्ट मॉडल जो है ये कैपिटलिस्ट मॉडल को अपोज करता है, ये मार्क्सिज्म या नियो मार्क्सिज्म हम जो कहते हैं उस पर बेस्ड है सेकेंड वर्ल्ड का सोशलिस्ट मॉडल। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट कैन ओनली अकर इफ द स्टेट रेगुलेट्स द इकोनॉमी एंड ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी। तो ये कैपिटलिस्ट के जैसे एकदम फ्रीडम कैपिटलिस्ट को नहीं देता है। यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट यानी कि जो कंट्री है वो इकोनॉमी को ओन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हो, कौन कौन से कंट्री हैं, चाइना, क्यूबा, वियतनाम। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में हमने कंट्री छोड़ दी, कैपिटलिस्ट मॉडल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आते हैं हमारे US, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर आते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जनरली डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हम कह सकते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे हैं कि ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इनका होता है। ए वाइडर मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वे आर प्रेशराइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टू फॉलो दे आर डिक्टेट्स, ठीक है। जैसे कि US अफगान के ऊपर मतलब प्रेशर करता है ना। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वेनेजुएला, ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसा आपके बुक में दिया है। क्योंकि मतलब अभी की बात की जाए तो इंडिया अभी सेकेंड वर्ल्ड कंट्री पे आ गया है, लेकिन एज़ टू योर बुक ये इसने इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे रखा है, तो आपको भी वही लिखना होगा, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वेनेजुएला, ये सब आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे लिखना है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन आता है यूनिट 10 में, दैट इज़ व्हाट आर द 5 अप्रोचेस टू सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के 5 अप्रोचेस हैं, वो बताइए। सो सोशल डेवलपमेंट के 5 अप्रोचेस आप एक फार्मूला, फनी फार्मूला से याद रख सकते हो, दैट इज़ TV सेट। लाइक टीवी के पास बैठो, मतलब बैठ के टीवी देखते हैं ना, तो TV सेट कैसे ना, TV होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है TV, टी फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप, टॉप से हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम द बॉटम, टी के बाद में हमने बी लिखा तो बी फॉर बॉटम याद रह जाएगा। सैट में SAT सैट, एस फॉर सेक्टोरल डेवलपमेंट, ए फॉर एरियल डेवलपमेंट, टी फॉर टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है, आसानी से याद रहेगा। TV के पास बैठ, TV सैट, डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप, डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम, सेट के लिए सेक्टोरल, एरिया एंड टारगेट ग्रुप, ठीक है, TV सेट। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज़ मेंशन इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसके अंडर में भी आप, मैंने अभी जो 5 अप्रोच बताए वो 5ों के 5 अप्रोच तो इस पर भी लिखे जाएंगे, TV सेट वाला, ठीक है। 5 अप्रोच लिखने के बाद आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कौन सा,
सोशलिस्ट पाथ एंड मिक्स्ड इकनॉमी, जो इंडिया का मिक्स्ड इकनॉमी है सोशलिस्ट पाथ है, बस ये एक एक्स्ट्रा ऐड इसमें कर देना, बाकी के पांच अप्रोच सेम लिखना। कौन सा लिखना? टी बी सेट, टॉप बॉटम सेक्टरल एरियल टारगेट ग्रुप, ठीक है। यूनिट 10 कंप्लीट हो जाता है इसके साथ और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और यूनिट 11 जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू फ्रीडम, या फिर इसे घुमा करके पूछ सकता है कि एक्सप्लेन फ्रीडम एज रूटेड इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड एजेंसी। यानी कि आपको इसमें क्या करना होगा ना कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है एक्चुअल में, बस इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है ना, ये फ्रीडम भी इसमें ऐड होता है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फ्रीडम। इफ़ देर इज़ नो फ्रीडम देर इज़ नो डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट कैनॉट बी लीनियर एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके अंडर में आप आंसर अपने से दीजिएगा, साथ ही अमर्त्य सेन और अदर जो भी इकोनॉमिस्ट जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा उन सबको वहाँ पे आपको मेंशन करके एक अच्छा सा आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो इसके साथ ही हमारा ब्लॉक 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर आपने अभी तक ब्लॉक 3 को डर रहे थे तो बिल्कुल ना डरें, इसे आसानी से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। वैसे तो मैंने इसके अच्छे खासे नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, जस्ट इन ड्रॉप आई हैव रिटन 1 to 2 पेजेस। इफ़ यू वॉन्ट कमेंट आप कीजिए हमारे बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द रफ, मेरा जो भी कॉपी मैंने लिखा है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक से भी मैंने जो भी चीज़ें बताई वो सब आपको देखने को मिलेंगी।